Good morning, student. I am Arkeza. Today I will teach you about human reproductive parts. बच्चों मैं राहुल कुमार झा आज आपको human reproductive parts के बारे में बताएंगे, जिसमें सबसे पहले मैं बता रहा हूँ female reproductive parts. यहाँ figure पे ध्यान दे दीजिए. वैसे female reproductive part lower abdominal cavity यानी पेट के निचले हिस्से में जो है कि reproductive part पाया जाता है. सबसे पहले जिसमें हम पढ़ते हैं ओवरी के बारे में. यहाँ ध्यान दीजिए, ओवरी. ओवरी ए पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट इन ह्यूमन विच कंटेन एग सेल और ओवम. इट लाई इन द लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी. यानी एक जोड़ी यानी दो ओवरी जो है मनुष्य में पाया जाता है, मनुष्य के फीमेल में, हाँ, जो पेट के निचले हिस्से यानी लोअर एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है. अब ओवरी से देखिए कनेक्टेड है फैलोपियन ट्यूब, और फैलोपियन ट्यूब पर यहाँ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको इनफंडिबुलम कहते हैं. यहाँ से एग मैच्योर होकर के यही इनफंडिबुलम के सहारे वह ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब में जाता है. एक महीना में फीमेल एक ओवम प्रोड्यूस करती है, यानी एक महिला एक महीना में एक एग सेल जो है प्रोड्यूस करती है, वह इस इनफंडिबुलम में आता है. और जब स्पर्म के साथ इसका फर्टिलाइजेशन होता है तो जो जायगोट बनता है वो जायगोट यहाँ से आकर के स्पर्म में सॉरी यूट्रस में ट्रांसप्लांट होता है. तो ओवरी हो गया. यहाँ ओवरी के बाद फैलोपियन ट्यूब या ट्यूब लाइक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एक ओवम को कैरी करता है या फिर जो जायगोट होता है उसको कैरी करके और ले जाता है यूट्रस में ट्रांसप्लांट करता है. यूट्रस है, यूट्रस एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो फीटस को रखता है जितने दिन उसका जो पीरियड होता है रखने का उतने दिन. जैसे मनुष्य में आमतौर पे हम लोग कहते हैं 9 महीने बच्चा जो है पेट के अंदर रहता है, तो यूट्रस में ही रहता है. यूट्रस में उसको जितने भी न्यूट्रिशंस प्रदान करने में सबसे इम्पोर्टेंट यूट्रस जो है काम करता है, प्लस उसको प्रोटेक्ट करता है, कैरी करता है. तो यूट्रस मस्कुलर ऑर्गन एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है विच कैरी द फीटस. आफ्टर इट यूट्रस के बाद देखिए कर्विक्स है जो यूट्रस को वेजाइना से कनेक्ट करता है. ठीक है, कर्विक्स जो है क्या करता है यूट्रस को वेजाइना से कनेक्ट करता है. और वेजाइना जो है एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ यूट्रस होता है, यानी वेजाइना ही बाहर की ओर खुलता है. जो जब ह्यूमन बीइंग मेटिंग करते हैं तो स्पर्म जो है वेजाइना के थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आता है. इसके बाद देखिए वेजाइना के इधर देखिए वेस्टिब्यूल है, ये जो स्मॉल प्लेस है उसको वेस्टिब्यूल कहते हैं, और यहाँ वाल्व है. तो वाल्व एकदम एक्सटर्नल ओपनिंग है, बाहरी भाग, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के सबसे बाहरी भाग को वाल्व कहते हैं, जो हाइमिन से ढका हुआ रहता है. ठीक है, हाइमिन से यह ढका हुआ रहता है, और यहाँ जो छोटा सा प्लेस है उसको वेस्टिब्यूल कहते हैं, और ये लिबिया माइनोरा इसके चारों ओर रहता है, जबकि वाल्व के चारों ओर लिबिया मेजोरा होता है. तो आप हमको लगता है समझ गए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में मेन रूप से हमने पढ़ा ओवरी, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, कर्विक्स, वेजाइना, हाइमिन, वेस्टिब्यूल, लिबिया मेजुरा, लिबिया माइनोरा एंड वाल्व. वाल्व देख लीजिए सबसे एक्सटर्नल पार्ट है, सबसे एक्सटर्नल ओपनिंग है. इसके बाद मेन रूप से आ जाइए वेजाइना, तो वाल्व जो है हाइमिन से ढका हुआ रहता है. वेजाइना के बाद देखिए यूट्रस, और यूट्रस के बाद यहाँ फेलोपियन ट्यूब और ओवरी. दोनों तरीके से आप अच्छे से स्ट्रक्चर को देख लीजिए, और मैंने उस सब चीज के बारे में थोड़ा बहुत लिख दिया है जिसका जो मेन मेन इम्पोर्टेंट फंक्शन है. और फिर इसको आप अच्छे से वाच करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करिए, मुझसे पूछिए, और मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चे हमारे चैनल को देख पाए, हमारे वीडियो को